एक रिजल्ट में लिखा रहा हूँ, इसमें थियरम था रिजल्ट वन, जस्ट एक आई थिंक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था जी बाई जेड जी थियरम, जो हमारा चैप्टर था उसमें जी बाई जेड जी थियरम था, उसमें ये कहा था भाई सपोज जेड जी इज नॉट आइडेंटिटी है ना, नॉन ट्रिवियल, देन प्रूव दैट इफ इफ दिस एंड ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ जेड जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या उसने ये कहा था कि भाई शो दैट जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। ग्रुप का ऑर्डर, खैर क्लासिफिकेशन में तो हमने देख लिया था ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो वो ऑलवेज अबेलियन होता है, ठीक है। अब इस केस में हमें देखना है सेंट्रल जी बाई जेड जी थियरम के एप्लीकेशन में था, ये जी बाई जेड थियरम के एप्लीकेशन में ग्रुप थ्योरी वन में, तो वहाँ पे हम ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक। अब जैसे ही आपको पता चल गया पी ग्रुप के पास ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सेंटर होता है, तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे विदाउट इसके बनेंगे, अब इसको वो इसको स्किप कर देगा, अब इस थियरम से आप डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होगा वन नहीं होगा ये क्लेम कर सकते हो, है ना, क्या होगा ये क्लेम नहीं कर सकते, क्या नहीं होगा वो क्लेम कर सकते हो। सो रिजल्ट वन में सिंपल ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, देन जी इज अबेलियन, ओके, तो जी अबेलियन दिखाना है, इट मींस जी इक्वल्स टू जेड जी दिखा दो, सो सिंपल तो लाइन का है, ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रुप का ऑर्डर है पी स्क्वायर, है ना, ग्रुप का ऑर्डर है पी स्क्वायर एंड ऑफकोर्स बाय लैग्रांज, बाय लैग्रांज थियरम ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, सो द ऑर्डर ऑफ जेड जी मे बी पी स्क्वायर पी एंड वन, बट बाय द थियरम ऑर्डर ऑफ जेड जी कैन नॉट बी ट्रिवियल फॉर द पी ग्रुप, सो द ओनली पॉसिबल चॉइस आर पी एंड पी स्क्वायर, ठीक है, वन क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज पी ग्रुप, तो डायरेक्ट हमने वन को नेग्लेक्ट कर दिया, वन को हटा दिया, सपोज वन लिख रहे हैं तो इस वन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया बाय द दिस थ्योरम 24.2 थ्योरम। अब देखो, अब ये ऑर्डर ऑफ जी जो है या तो पी हो सकता है या पी स्क्वायर हो सकता है, अब जो है इसको अबेलियन शो करना है, तो सपोज कर लेते, सपोज एक मिनट के लिए मैं ऑर्डर ऑफ जेड जी जो है वो मैं ले रहा हूँ पी, अब जैसे अब देखो अबेलियन शो करना है तो ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ जेड जी जो है ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है, तभी अबेलियन होगा, बिकॉज जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ जेड जी इज इक्वल टू जी बाई जी बाई जेड जी थियरम ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी पी, ना क्या आ रहा है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी विच इज पी, पी स्क्वायर अपॉन पी विच इज पी। देखो पी जो होता है ऑर्डर पी का क्या होता है, जो भी ऑर्डर पी का होता है वो ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है, यहाँ से आप बोल सकते हो G by ZZ is cyclic. अगर G by ZZ cyclic है so here क्या होता है G is abelian, clear है, अगर G abelian हो गया तो order of ZZ should be the P square, no, but we supposed here order of ZZ is P, so here order of ZZ cannot be P, है ना, क्योंकि ये p नहीं हो सकता ना, जब p ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ zg p स्क्वायर बना रहा है, ऑर्डर ऑफ p लेने पे p स्क्वायर बना रहा है, तो भाई ये जो p है क्योंकि अब ये अज्यूम किया है और यहाँ से ये p स्क्वायर दे रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, इट गिव्स अस द कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ zg इज नॉट इक्वल टू p, सो बचा क्या ये, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ zg is equal to p square, and of course we know the zg is always subgroup of g and both order are same, therefore g equals to zg, hence g is abelian, ठीक है, यही किया था और बस यही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अब देखो कुछ नोट्स इसी में, या नोट या रिजल्ट, चलो रिजल्ट ही ले लो, रिजल्ट सेकेंड सिंपल, आपने आपने देखा जब इसका हम प्रूफ कर रहे थे थ्योरम का, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हमने निकाला ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस दिस इज द सेंट्रलाइजर ऑफ ए
इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जेड जी। और अफकोर्स हमने ये देखा जब जेड जी हम लिखते तो जेड जी जो ऑर्डर ऑफ जेड जी जो बनता है वो कैसे बनता है, क्लास ऑफ ए से बनता है और ए बिलोंग्स टू जेड जी से होता है ना। तो और ये जो होता है क्लास में केवल एक एक एलिमेंट होता है, तो इट विल बी 1+1+ एंड सो ऑन +1 दिस ऑर्डर ऑफ जेड जी कॉपी है ना, ऑर्डर ऑफ जेड जी टाइम्स 1 आएगा। तो मैं जस्ट इसको लिखता हूँ 1++ 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ जेड जी कॉपी, ऑर्डर ऑफ जेड जी कॉपीज प्लस दिस इज द ए विच इज नॉट इन द जेड जी एंड दिस इज द इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ इन जी एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ जी। और सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस समेशन ऑफ इसकी जगह और कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इन जेड जी, ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। और इसी दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्लास इक्वेशन। तो यही एक्चुअली जो हमारा फॉर्मेट है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी। तो जो भी क्लास इक्वेशन होगा ऑलवेज इस फॉर्मेट में होगा, हमेशा ध्यान रख लो इसको। बस इस इक्वेशन के थ्रू आप बहुत सारे क्लास इक्वेशन जो है आप डिस्कार्ड कर सकते हो, लगा सकते हो कि भाई इसका क्लास इक्वेशन यही होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखो इसको, ठीक है। बस इतना सा, अगर इतना सा याद है तो कोई भी क्लास इक्वेशन आपसे जाएगा नहीं। अभी देखेंगे एक्सरसाइज में, है ना, ये देखते, ठीक है। तो हमने इसमें देखा इस थियरम में, ऑफ कोर्स 24.2 थियरम में जो भी पी ग्रुप होता है उसके पास नॉन ट्रिवियल सेंटर होता है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा ये देखा इसी में कि ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट में ऑर्डर पी स्क्वायर का ग्रुप जो भी होता है वो ऑलवेज अबेलियन होता है, ठीक है। ऑर्डर पी स्क्वायर का ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, वो अबेलियन होता है। अब देखो यहाँ पे जो हमने किया था, अगर आपको याद है जो हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, अब आप एक मिनट के लिए वो उतना सा लंबा चौड़ा वो थियरम है उसको भूल जाओ, है ना। आप जस्ट आप केवल ये रिजल्ट 1 देखो और फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप देखो, ओनली दो चीज़ें, एक तो रिजल्ट 1 ये और दूसरा क्या देखो, फंडामेंटल थियरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इन दो की हेल्प से कितना ईजिली आपको दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। ऑफकोर्स ये पूरा लिख सकते हो, ऐसा नहीं, अगर ये भी लिखोगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो ऑफकोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, दिस जी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर और जेड पी क्रॉस जेड पी, है ना, यही होता है। तो पहले आप अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो पहले आप उसको अबेलियन शो करो, नंबर 1 आपने इसकी हेल्प से इसको अबेलियन शो कर दिया। अब दूसरी चीज है, अब ये जैसे ही अबेलियन हुआ सो वी कैन यूज द फंडामेंटल थियोरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, है ना, पी स्क्वायर है, 2 का पार्टीशन कर दो 1+1, है ना, सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी स्क्वायर एंड जेड पी क्रॉस जेड पी बाय द फंडामेंटल थियोरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, बस इतना लिख दो। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। बहुत सारे टीचर इसी प्रूफ से ही बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, जो मैंने वो गैलियन से कराया था, जो हमने किया था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कई टीचर उसको वहाँ पे स्किप करके ओनली यहाँ से बताते हैं, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और रिजल्ट 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखो ज़रा कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे ऑफकोर्स एक्सरसाइज के रिलेटेड टू दिस क्लास इक्वेशन, ऑफकोर्स यस पी ग्रुप एंड क्लास इक्वेशन जो भी है। 24 कहाँ गए, 24
24 हमें चाहिए, ये देखो। चलो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमें ना, और जो जितना भी हो सकता है 1 to 9 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, 1 to 9, और जो हमने नहीं किया है अफकोर्स वो छोड़ेंगे, जो किया है वो हम देखेंगे इसमें। देखो, सो दैट कंजुगेसी इज इन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन ए ग्रुप, वी ऑलरेडी डिड, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ये। कैलकुलेट ऑल कंजुगेसी क्लासेस फॉर द क्वार्टरनियंस, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट ऑल कंजुगेसी क्लास ऑफ द क्वार्टरनियन ग्रुप्स। ऑलरेडी आई थिंक क्लास हमने निकाल चुके हैं ना इसके, हाँ कर चुके हैं। देन ये क्या, टी इज डिफाइंड प्रूफ ऑफ दिस वेल डिफाइंड वन वन मैप एंड सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑन टू कंजुगेसी क्लास ऑफ ए, ये तो हम कर चुके हैं। दिस इज प्रूफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी, बड़ा सिंपल है ना, ये भी आप कर लेंगे, मैंने वर्बली तो बता दिया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ओके एन एच आ गया, ये अभी नहीं किया हमने। नंबर ऑफ कंजुगेट ऑफ एच, कंजुगेट ऑफ सब ग्रुप है ना, कंजुगेट ऑफ सब ग्रुप नहीं किया अभी हमने, ओनली कंजुगेट ऑफ एलिमेंट किया है, कंजुगेट एलिमेंट किया है, सब ग्रुप नहीं किया है। सो 5 को अभी स्किप करेंगे, ऑफ कोर्स ये भी कंजुगेट का ही है। 7 क्वेश्चन देखो, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, सो दैट एक्स इनवर्स इज नॉट इन क्लास ऑफ एक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जी ऑड ऑर्डर का है ना, और एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो ऑफकोर्स एक्स तो क्लास ऑफ एक्स में होगा ही, बिकॉज क्लास ऑफ एक्स ऑलवेज कंटेन एक्स, बट एक्स इनवर्स जो होगा वो क्लास ऑफ एक्स में नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ अभी हम देखेंगे, ऑफकोर्स ऑड है तो इसका हिंट्स हम देख सकते हैं, फिलहाल अभी ये नहीं देखेंगे। डिटरमाइन द क्लास इक्वेशन फॉर नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39। चलो इसका जो है ना 8th का तो अभी थ्योरम आएगा तब होगा, ये 9th का देखो, अभी जो हमने क्लास इक्वेशन पढ़ा है 9th का जो है, जो क्लास इक्वेशन पढ़ा है उससे एकदम बहुत फास्टली हो जाएगा। अब देखो डिटरमाइन कौन सा जो है क्लास इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, जस्ट हमें ये करना है। देखो ध्यान से देखना, 9 कैसे डिफाइंड है, 3 + 3 + 3 है, जबकि भाई कम से कम जेड जी जो होगा वो ट्रिवियल तो होगा ही, तो जेड जी में कम से कम 1 तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता क्लास इक्वेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 21 देखो, आपको सम तो 21 होना चाहिए ना, सम तो 21 होना ही चाहिए, और सेंटर में यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गए, तो इट 1 + 1 का मतलब क्या होगा, ऑलवेज 1 जब आएगा क्या होगा, वो सेंटर में आएगा, तो सेंटर का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ऑफ लैग्रांज कहता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, क्या 2 21 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 10 देखो डिवाइड सेंटर में 1 है, ठीक है, सारे डिवाइड भी कर रहे हैं, है ना, तो ये फुलफिल कर रहा है उसकी क्राइटेरिया को सारी, तो 10 होगा। 18 देखो, अब देखो ये क्या है, जैसे 1 है ये, सपोज ये सेंटर में आ रहा है, ये 3 है क्या होगा, क्लास ऑफ ए होगा, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए ऑल्सो डिवाइड द ग्रुप का ऑर्डर, तो 3 ऑफकोर्स 3 तो कर रहा है, 6 कर रहा है इसको डिवाइड, 8 कर रहा है इसको डिवाइड, सो 8 नहीं कर रहा है, सो 18 ये जो है डी भी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है, सो ओनली द क्लास इक्वेशन इज सी। तो इस तरीके से देखो हमने डिस्कार्ड किए, कितना इजी है, कितना आसान है डिस्कार्ड करना कि क्लास इक्वेशन कौन सा है या नहीं है। जब भी आपको क्लास इक्वेशन गिवन हो और आपको कहे कि कौन सा है, तो पहले कोशिश करो उनको डिस्कार्ड करने की, फिर जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे Q8 है, सपोज जी इक्वल टू Q8, देन द क्लास इक्वेशन ऑफ Q8 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे क्लास ऑफ आई में 2 एलिमेंट आते, क्लास ऑफ जे में भी 2 एलिमेंट आते, एंड क्लास ऑफ के में भी 2 एलिमेंट आते, तो दिस इज इक्वल टू 8, दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ Q8, ठीक है। अगर जी इक्वल टू Z8 होता तो इसका क्लास इक्वेशन क्या होता, सो 8 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 8 टाइम्स, जैसे एक था हमारा 9 जो गिवन था, 3 + 3 + 3 है ना, ये क्लास इक्वेशन है या नहीं है ये आपको बताना है, नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ क्लास इक्वेशन, बिकॉज सेंटर भाई कोई भी ग्रुप है तो सेंटर ऑफ सब ग्रुप तो इसके पास होगा ही होगा,
ठीक है, सेंटर ऑफ सब ग्रुप अगर होगा तो सेंटर में भाई या तो एक एलिमेंट होगा या एक से ज़्यादा होगा, क्लियर। तो इस केस में वैसे भी ये तो क्या है, डायरेक्ट आप इसको तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो भाई थ्री स्क्वायर टाइप का है, और हमें ये पता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पी स्क्वायर, ये ऑलवेज अबेलियन होगा। तो ये ऑलवेज अबेलियन होगा तो ओनली देयर इज ए वन पॉसिबिलिटी विच इज वन प्लस एंड सो ऑन वन। अगर आपको ऐसे दे दिया सपोज, हाँ ये ध्यान से देखो, आपको ऐसे दे दिया वन प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री, क्लियर। अब देखो भाई ठीक है, तीन एलिमेंट सेंटर में है, सेंटर का ऑर्डर थ्री है, डिवाइड कर रहा है नाइन को, थ्री भी डिवाइड कर रहा है नाइन को, थ्री भी डिवाइड कर रहा है नाइन को, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये इसका सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, कहीं ये इसका क्लास इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उस टाइप में देखना कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो किस टाइप का है। अब यहाँ पे इसने दे दिया थ्री स्क्वायर टाइप का, यानी पी स्क्वायर। अब आपको ये पता है भाई पी स्क्वायर टाइप का जो भी ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, तो जी ऑलवेज जेड जी के इक्वल होगा। तो जो आपका क्लास इक्वेशन बनेगा वन प्लस वन टाइप का बनेगा विद जेड ऑर्डर जेड जी कॉपी, है ना। तो अबेलियन के केस में ऑलवेज ये आएगा, तो ये अबेलियन है, जहाँ पे भी आपको लगेगा ये अबेलियन है तो डायरेक्ट बोल दो भाई ये इसका क्लास इक्वेशन वन प्लस वन के फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज क्लास में केवल वन एलिमेंट आता है वहाँ पे, ठीक है। क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी, ये हमें पता है, तो वहाँ से आपने लिख ली, ठीक है। सपोज मेरे पास 10 है, ठीक, ऑर्डर 10 है, इसको मैं लिख रहा हूँ, चलो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, चलो ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। ये एक्चुअली होने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ये ऑर्डर 10 के कितने ग्रुप्स बनते हैं। देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब आपसे पूछते हैं, वो जब मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो नहीं, वो क्या करेंगे कि तीन चार इक्वेशन दे देंगे और आपको पूछ लेंगे विच इज़ द क्लास इक्वेशन। अब आप जो है जो क्लास इक्वेशन हो डेफिनेटली उसी को आइडेंटिफाई करोगे, तो बहुत इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको सोचना पड़ेगा इस ऑर्डर के कौन से ग्रुप हो सकते और उसके सेंटर में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग होगा। तो आपके पास अगर चार ऑप्शन होगा तो आप कौन सा नहीं होगा ये ज़रूर आप बता सकते हो, नहीं होने के लिए ना होने के लिए हमें पता है सेंटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जो क्लास के ऑर्डर होते हैं वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर 10 का दे दिया, तो ऑर्डर 10 का दे दिया ये डेफिनेटली क्या है, ये डेफिनेटली वो तो नहीं है, है ना, साइक्लिक तो नहीं है, यानी अबेलियन तो नहीं है, डेफिनेटली अबेलियन नहीं है, अबेलियन होता तो वो 1+1 देता। तो ऑर्डर 10 के अप टू आइसोमॉर्फिक कितने ग्रुप्स बनते हैं, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता चल जाए भाई ऑर्डर 10 के इसके पास इतने ग्रुप होते हैं, यानी ओनली वी हैव द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 आर D5 एंड Z10, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप D5 का जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो जब D5 का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में तो वन एलिमेंट आ रहा है ना, तो क्लास ऑफ, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन रोटेशन ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो इट विल बी 2+2+5। D5 का आपको सोचना पड़ेगा कि D5 का क्या बनता है, और ये इतना सा निकालने के लिए भाई सारे एलिमेंट को हमें आपको निकालना पड़ेगा, क्लास ऑफ S, क्लास ऑफ I, है ना, क्लास ऑफ R, इस टाइप से। तो ऑफकोर्स ये जो एलिमेंट आएंगे, जैसे अब क्लास ऑफ S निकाल रहे हो तो कुछ एलिमेंट कंटेन करेंगे, तो वो उन्हीं एलिमेंट के क्लास के इक्वल होगा, तो वो निगलेक्ट करते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे सेंटर को छोड़ के 1, 2, 3 ही क्लास बनेंगे। तो हम उस तरीके से क्लास निकाल के फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, या सेंट्रलाइज, या अगर क्लास नहीं निकालना है तो हमें सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देखो जरा, सेंट्रलाइजर के थ्रू अगर मैं कर रहा हूँ तो सेंट्रलाइजर ऑफ R कर रहा हूँ, तो सेंट्रलाइजर ऑफ जो R होगा दिस विल बी जनरेटेड बाई दिस R, है ना। आर जो है सभी आर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, सेंट्रलाइजर ऑफ आर क्या होगा, आर के साथ तो कम्यूट करेगा, आइडेंटिटी आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब के साथ तो करेगा ही, यहाँ पे 5 आएंगे इसमें ना एलिमेंट, तो
r की पावर 4 भी तो आएगा बिल्कुल। यहाँ पे तो हमें r के साथ कम्यूट करने वाले लेने है ना, है ना। तो ये आपका ये आ गया सेंट्रलाइजर ऑफ r, सेंट्रलाइजर ऑफ r आया तो क्लास ऑफ जो r होगा उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 r है, सॉरी 2 आ रहे है ना, 2 आएंगे। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर ऑड हो, ऑड है, तो x अगर z में एंड x इज बिलोंगिंग इन z, तो x इनवर्स जो होगा क्लास ऑफ x में वो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, वो जरा कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, वो ग्रुप का ऑर्डर ऑड है एंड x बिलोंग्स टू z, तो x अगर क्लास ऑफ x में है तो x इनवर्स जो होगा क्लास ऑफ x में नहीं होगा, ठीक है। सपोज करना कि x इनवर्स जो है क्लास ऑफ x में है, बाद में जाके कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा तो बता देना कि भाई ये x इनवर्स जो है क्लास ऑफ x में नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा, कर लेना, ट्राई करना। हिंट्स एक्चुअली इसका मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें दिया है, गैलियन में दिया है, आप देखते देख के समझ लेना इसको।